तो रात तक वेट करते हैं, धीमे धीमे देखते हैं क्या क्या लगता है। देख रहे हो, अगर आप लोग को लगवाना है तो लगवा सकते हो बुलेट और बदलो। देखो जिसके पास भी डिस्क ब्रेक है ना उसके अंदर ये वाला ऑयल डाला जाता है, यहाँ पे जैसे अपने ब्रेक लगाते हैं। देखो जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, तो ज़्यादा तेज दबा के देखते हैं एक बार। सो है व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज योर सिराज सिर्फी एक और नए वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू चैनल सेजू ब्लॉग। तो कल का दिन हमारा एक गैप में गया, सातवा पार्ट नहीं बन पाया क्योंकि हमारा जो इंजन था वो लेथ में गया हुआ था और चेसिस गई हुई है हमारी कलर में। तो अभी यहाँ पे मैं आया हूँ फिर से और ये है सातवा पार्ट। तो आज के पार्ट में होगा हमारा इंजन पूरा फिट होगा और चेसिस का कलर होगा। अगर देखते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि चेसिस के अंदर मतलब पुट्टी वगैरह हो गई है या नहीं हुई है, मतलब तो फिर उसके बाद ही उसका कलर किया जाएगा। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो अभी स्टॉक आया, बहुत सारे आगे के मडगार्ड आए हुए हैं स्टॉक के अंदर, तो किसी को भी चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है, ये कौन सी अपनी एवेंजर जो मैंने येलो कलर की दिखाई थी छठे पार्ट में, वो ये है। उसका पूरा कलर हो चुका है और अभी मिस्टर इसका वो टैंक का कलर क्या हुआ, अभी क्या क्या बात? टाँकी उगी सब हो गया, अंदर पड़ा है टाँकी उगी। हो गया टाँकी, तो लाके दिखाना मुझे। एक कलर टाँकी, टाँकी दिखाते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे सुलेमान ने सुबह से पूरा काम ख़त्म किया और ये इंजन जो हमारा यामाहा का इंजन था भाई, हालत कैसी थी पहले इसकी और अभी की आप लोग हालत देख सकते हो। ये सब पूरा सड़ गया था और अभी इसकी हालत देखो। कितनी देर में बनाया सुलेमान? आधी घंटा लगेगा सिराज भाई, आधे घंटे और लगेंगे। एक इंजन कितनी देर में फिट कर देता? एक घंटे में क्या बात है। और यहाँ पे लगा के दिखाना, देखो यहाँ पे जो येलो कलर की टाँकी थी वो हो गई है एक ग्रे, ठीक है, शाइनिंग ग्रे है, सॉरी। तो यार देखो क्या लुक आ रहा है ग्रे कलर की, ठीक है। तो ये टैंक बहुत ही बढ़िया है, अगर ऐसा टैंक आप लोग को चाहिए तो वहाँ पे देखो रखा हुआ है बहुत सारा, आप लोग मंगवा सकते हो या इमरान भाई से पूछ सकते हो तो आपको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं इंजन कैसा पूरा बनता है और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। वहाँ पे बुलेट आई हुई है जो ओल्ड मॉडल बुलेट है, तो उसका भी काम चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा इंजन पहले, अभी हमारा इंजन फिट होने जा रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया है भाई। यू कोई बोल नहीं सकता, यामाहा का इंजन ये एकदम नया इंजन लग रहा है। और इसकी जो ये अगर अभी ये अगर कितनी वो देगा एवरेज, अब 35 से 40 की एवरेज देगा। अब जिस हालत में आया था उस हालत में कितने की देता? जीरो थी। अभी 35 से 40 की एवरेज देगी ये यामाहा हमारी, ठीक है। तो पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। सिस्टम सिस्टम देखो पहले हालत कैसी थी, ठीक है, इसके अंदर की। अगर आप लोग ने पार्ट वाला नहीं देखे, इंजन बनने वाला, तो जाके देख लेना, आपको समझ में नहीं आएगा ये वीडियो जब तक आप लोग पूरा पार्ट नहीं देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक हमारा इंजन कंप्लीट होता है मैं आपको इमरान भाई से बात करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे इमरान भाई है, काफ़ी बिजी हैं। और यहाँ पे देखो ये एक्टिवा समझ में नहीं आ रही, नया है कि पुराना है? इमरान भाई से पूछते, 6G एक्टिवा आई है। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया भाई। तो अभी हमारा यामाहा में क्या क्या बात है? यामाहा में आपसे इंजन का काम चालू हो गया, फिर सोमवार से रेगुलर, कल चेसिस पर कलर होगा, सोमवार से रेगुलर फिटिंग होगा। रेगुलर फिटिंग होगा, चेसिस आज देखने को मिलेगी कि नहीं? हाँ, चेसिस अपने जाते हैं कलर वाले के पास। कलर वाले के पास ना। और ये क्या है? ये एक्टिवा में एसेसरीज लगा रहे अपने। एसेसरीज भी लगाते हो एक्टिवा में? कितने की एसेसरीज? उसका सेट आएगा 1200 रुपये का। 1200 रुपये जो कंपनी 2500 की दे दी अपने 1200 में लगा के, 1200 में पूरा सेट लग जाएगा। तो नवी पगड़ी के साथ यहाँ पे ये सब 1200 रुपये में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये लगवा सकते हो। और अभी यहाँ पे इसका क्या क्या काम बाकी है इमरान भाई? इसका तो भाई हम लोग 8 बजे तक रुक के ये पूरी गाड़ी का वीडियो बनाने वाले हैं। हम लोग ने जब पिछली बार देखे थे तो ये यहाँ तक का था, उसके बाद इसको वेल्डिंग करके यहाँ तक का जोड़ा गया है, वायरिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट की गई है, गाड़ी एकदम रेडी की गई है। अब इसका हेड लाइट भी आ जाएगी, इसका ऊपर का सब कुछ हमारा मीटर भी आ जाएगा, पीछे की बैक सीट भी आ जाएगी। तो रात तक देखते हैं कि भाई ये किस तरीके से रेडी होती है, वीडियो में बने रहना, बहुत ही मस्त लगेगी। तो रात तक वेट करते हैं, धीमे धीमे देखते हैं क्या क्या लगता है। और वहाँ पे हमारा यामाहा का इंजन फुल्ली रेडी हो गया है, तो कल देखते हैं चेसिस बनेगी या फिर
चेसिस का कलर आज देखने जाएंगे या तो कल देखने जाएंगे, मुझे तो इसका देखना है और देखते हैं कैसी बनती है। 8 बजे तक बोल रहे बन जाएगी तो हम लोग 8 बजे तक वेट करते हैं। क्या काम हो रहा है भाई? ये डिस्क ब्रेक का काम हो रहा है। डिस्क ब्रेक इसकी बहुत ख़राब था, डिस्क ब्रेक रिपेयरिंग हो गया। डिस्क ब्रेक कम्प्लीट हुई है सबसे पहले इसकी। अभी क्या कर रहे हैं मिस्टर? ये भी स्विच लगा रहा हूँ। तो हैंडल की दोनों स्विच लगेगी, उसके बाद मीटर लगाएगा। धीमे धीमे देखते हैं कैसे रेडी होती है। देखो जिसके पास भी डिस्क ब्रेक है ना उसके अंदर ये वाला ऑयल डाला जाता है, तो यहाँ पे जैसे अपने ब्रेक लगाते हैं देख रहे हो जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ज़्यादा तेज दबा के देखते हैं एक बार। ना घर की खेती है, हो रहा तेल अभी डालेंगे अंदर, इसको पैक करेंगे, फिर इससे लगेगी डिस हमारे। देख रहे हो डिस्क ब्रेक, डिस्क ब्रेक हो गया, कम्प्लीट हो गया डिस्क ब्रेक हमारा, कम्प्लीट हो गया। यहाँ पे आ गया हमारा न्यू हैंडल ग्रिप, हमारी ब्रेक एकदम चकाचक बन गई। वाओ, तो ये लग रहा है हमारा मजगार्ड पीछे का, पहले देखे थे तो उसका कलर एकदम उतरा हुआ था, इस पर ब्लैक कलर कर दिए और वहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंजन पूरा अपना रेडी हो चुका है, तो इसमें होल करके फिर लगाएंगे पूरा मजगार्ड पीछे का। मस्त लुक आ रहा है, बैटरी भी लेके आ गया, नई बैटरी है। बैटरी नई है कि सर्विस में गई थी? नवी बैटरी थी, वैसे ग्राहक ने नवी बैटरी डाला ही था, चार्जिंग करवाया आपने। अच्छा, ये नवी बैटरी थी, सिर्फ चार्जिंग हो गई, तो बैटरी भी हो गई मजगार्ड भी हो गया। अभी तक चालू नहीं हो रहा था, देखो टेक्निक देखो, इससे डायरेक्ट स्विच चालू हो रही है, सेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। देर से मेहनत कर रहे हैं ये लोग, यहाँ से चालू नहीं हो रहा था भाई, यहाँ से चालू हो गया, तो एक से एक जुगाड़ होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे वायर की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वायर जोड़ देंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका काम आज का, तो वायर का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी देखो पीछे का मजगार्ड लग रहा है, उसके बाद सीट टैंक और सीट लगेगी। जब तक भाई हमारा दोनों काम चल रहा है, वहाँ पे एवेंजर का भी काम चल रहा है, उससे पहले अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारा जो यामाहा का कलर का काम हो रहा है तो वो चेक करके आते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है या स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो देखते हैं अभी। यहाँ पे देख सकते हो स्टैंडर्ड स्प्रे कलर, तो यहाँ पे हमारे चाचा हैं जो कलर करते हैं। चाचा चेजिस में कलर चालू किए कि नहीं यामाहा वाले? ऑयल गेज के जे परसों ऑयल गेज भाई, परसों बोल रहे कल मार दो ना पेंडर, लापे लेवल करनी पड़ेगी। ऑयल गेज ले ले, खराब गाड़ी है वो, ऑयल नो गेज के जे तो कौन कर रहा है? बस बढ़िया है, तो लापी लेवल अंकल जी कल करेंगे और परसों उसके अंदर कलर होगा, क्योंकि अभी काम इतना ज़्यादा है कि पीछे एक बुलेट रखी हुई, बुलेट है क्या है? बुलेट अंदर अपनी। अच्छा, वो वाली जो वो कबीर सिंह की बुलेट देख रहे हो आप लोग उधर रखी हुई अंदर, तो उसको भी पूरा पूरा कलर होगा और उसको ऊपर ये टैंक देख रहे हो, ये अंकल ने कलर की है भाई, कितना ज़बरदस्त कलर है देखो, ये कलर अंकल ने की है तो काफ़ी बढ़िया है, तो आप लोग अपनी बाइक में भी करवा सकते हो। तो इमरान भाई से सीधा कॉन्टेक्ट कर लोगे तो आपका मतलब सारा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे अभी? अभी अपना एंटाइजर एवेंजर बता देते हैं, एवेंजर जो रेडी हो रही है, तो यहाँ पे कलर काम हम लोग आएंगे परसों और देखेंगे कि हमारे चेसिस वहाँ नीचे रखी हुई है कब तक बनती है, तो उसके बाद देखते हैं, चलते हैं सीधा इमरान भाई की शॉप पर। तो भाई साहब यहाँ पर हमारा गाड़ी का टैंक लग चुका है, पूरा टैंक लग चुका है, पीछे का मजगार्ड लग चुका है और ये आगे की हेडलाइट आ चुकी है, ये आगे हेडलाइट लगेगी और यहाँ पे मिस्टर अभी साइड लाइट लगा रहा है, तो जैसे ही रेडी होती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हम आए थे 4 बजे और अभी बज चुके हैं 7:30, 8 बजने वाले, बस जैसे जैसे बनते जाती है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोनों बुलेट में सीट लगी हुई है, देख रहे हो सीट कितनी प्यारी लग रही है, इधर भी सीट लगी हुई है, तो ये दो बुलेट आई है जब से हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है वीडियो शूट करने के लिए, तो उसका काम रुका हुआ था, बुलेट के अंदर सीट लगी हुई है और भाई लोग ने बुलेट के अंदर एक पहिए के अंदर लगाए हुए लाइट, तो चालू होती तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बुलेट के व्हील के अंदर क्या लगा रहा भाई? रिंग लाइट लगा रहा है। रिंग लाइट, तो रिंग लाइट लगाने के लिए भाई ने एक पट्टी बनाई है, तो पट्टी देख सकते हो आप लोग, और उसके ऊपर ये लाइट लगी है, लाइट काफ़ी ज़बरदस्त जैसे रेडी होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। सब यहाँ पे हमारी बुलेट के अंदर लग चुका है
रिंग और देख रहे हो कितनी जोरदार है। तो यहाँ पे इसकी स्विच है, ये देखो ये यहाँ से स्विच है, स्विच कितनी ज़बरदस्त है। तो यहाँ से स्विच की ये पैटर्न भी बदलती है, तो इस तरीके से मैं बताता हूँ। बायस भाई पैटर्न बदलो, ये देख रहे हो, अगर आप लोग को लगवाना है तो लगवा सकते हो बुलेट। और बदलो, दो टाइप की अलग अलग आएंगी भाई। तो भाई हमारे भावेश भाई हैं, बेगाम से आए हुए थे यहाँ पे बुलेट बनवाने के लिए, तो ये पूरा दोनों आगे पीछे लग गया। कितना खर्चा हो गया भावेश भाई? इसमें कम से कम 13-14 हज़ार लग। क्या क्या लगवा? बस ये मैकविल डलाए, मैकविल ये वाले, हाँ फिर ये सीट डलवाई, सीट देखो जबरदस्त है, और ये हॉर्न डल, हॉर्न आ गया, और ये लाइट ही डल, लाइट आ गया, मतलब 10-12 हज़ार रुपये खर्चा, 10-12 हज़ार में। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारी गाड़ी बन रही है, लास्ट यही बची है, अभी ये कंप्लीट हो जाएगी तो पूरा लुक दिखा के फिर वीडियो एंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट साइड लाइट लगवाई है, जो KTM की देखो यार कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, आगे पीछे से दिखेगी। तो ये आपको लगवाना हो तो हमारे इमरान भाई के वहाँ आ जाना, KTM वगैरह में लग जाएगी, ठीक है, 1000 सिस्टम। और यहाँ पर हमारी बाइक रेडी होने में तकरीबन 4-5 घंटे और लगेंगे, तो अगर हो सकेगा तो कल सीट रख के एक बार दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद हम वीडियो आएंगे। यहाँ पे हमारी बाइक फुल्ली रेडी हो चुकी है, तो कुछ काफ़ी ज़बरदस्त है, अभी वायरिंग का थोड़ा काम बाकी है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी और चलेगी। और हम लोग अब यहीं पे हमारी आज की वीडियो एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए। मिलना आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू नेक्स्ट। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing.